स्टूडेंट आज हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैथ में हम क्या करेंगे, तो जितना हमने सीखा है उसका पूरा रिवाइज करेंगे। अब वीडियो लेक्चर में हमने सीखा ना कि आपको जो एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा उसका हमने रिवाइज किया है, बाकी का हम इसमें रिवाइज करते, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन क्या किया है, काउंट एंड राइट द नंबर, मतलब क्या है कि आपको पिक्चर दिए गए हैं ना, उसे क्या करना है, काउंट करना है, फिर इधर जो ब्लैंक दी गई है या बॉक्स दिया गया है उसमें आपको क्या करना है, नंबर लिखना है, ठीक है। हमने सिखाया ना सब काउंटिंग, तो काउंटिंग ही है, ठीक है। तो चलो पहले काउंट करो, ठीक है, कितने हुए काउंट करना, ठीक है। तो ट्री कितने हैं, फाइव। तो हमें कौन सा नंबर लिखना है, फाइव, ठीक है। तो आपको ऐसे काउंटिंग करना है, वरना आप ऐसे ऐसे काउंटिंग करोगे तो आप भूल जाओगे। तो पेंसिल से आप थोड़े सा बिठा करके काउंटिंग करना, ठीक है। फिर दूसरा, आपको ऐसे सेम टू सेम पिक्चर नहीं दिए गए और नंबर नहीं, इधर मैंने ड्रॉ किया है तो ट्री हो सकते और उसमें टू भी हो सकते या ज्यादा हो सकते, और आपको ऐसा ही पेपर स्टाइल आएगा, ठीक है। आपको समझ में आए क्या, एक समय ऐसा पेपर स्टाइल आने वाला है उसमें मैंने उसको आपको दिखाया। फिर ये सेवन नंबर का क्या है, बॉल्स, बॉल्स है ना, कितने सारे बॉल्स है हम काउंट करते हैं, ठीक है। Okay.
नंबर दिया गया है वो नहीं लिखना है और जितनी ब्लैंक्स दी गई है आपको नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर है देखो, 51 के बाद 52, 53, 54 है, फिर 55, 56, 57, फिर 58 है, फिर 59, 60, 61 है तो 62, 63, 64, 65, उससे आगे भी नंबर आ सकते हैं, ये बस इतने ही लिखते हैं। ठीक है, आपको जीरो ब्लैंक्स दी गई उसमें आपको नंबर लिखना है, ऐसा नहीं कि मैंने 54 लिखा फिर आपने 55, 56 दोनों पास में लिखा, ऐसा नहीं करना है। जो जहां आपको ब्लैंक्स दी गई है उसमें आपको नंबर लिखना है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, काउंटिंग की, फिर मिसिंग नंबर लिखे, मैंने बोला ना आपको 1 से 70 तक के नंबर आपको आने चाहिए। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, सर्कल द करेक्ट नंबर, मतलब आपको जो पिक्चर दिए गए हैं ना उसके नीचे नंबर भी लिखे हैं, तो आपको पहले पिक्चर काउंट करना है और फिर जो सही नंबर हो उस पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर में मैंने क्या ड्रॉ किया है और पसंद है आप सबको, क्या है, आइसक्रीम, वेरी गुड। तो आइसक्रीम हम काउंट करते हैं कितने हैं, ठीक है, 1, 2, 3, कितने हैं, 3, तो हमें इसमें देखना है वो 3 नंबर है कि नहीं है, ये वाला है, नहीं है, ये वाला है, तो हमें इसका क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, समझ आ गया आपको कि जितने पिक्चर है उतने हमें इसमें क्या करना है, जो नंबर सही हो उस पर सर्कल करना है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर में क्या है, स्माइल प्लीज, स्माइल करते हो ना सो, द स्माइल रोकिए वो काम करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, स्माइल है 4, अब इधर हम नंबर ढूंढते हैं 4 के लिए, ये ये तो फर्स्ट वाला ही है, हम उसका क्या करना है, सर्कल। ठीक है, चलो अब थर्ड नंबर में ये सब क्या है, यूजे पत्ते है ना, फिर से वो काम करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं लिए, 6, तो 6 ढूंढते हैं। ठीक है, ये नहीं है, एक एक ही नहीं है, ये वाला है, तो हमें इस पर सर्कल करना है, जाएगा आता है ना आपको, बस क्या करना है, काउंटिंग करना है, बस नंबर लिखना है, सर्कल करना है, एकदम इजी सिंपल है ना, समझ आ गया आपको। इसमें आपको और कोई भी टीचर होगा और नंबर भी अलग से देंगे, आपको उसे काउंट करना है और जो सही नंबर हो उस पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, राइट रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर मतलब उल्टा नंबर, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, 1, 2, 3, 4, फिर चढ़ जाते हैं अब, फिर उधर से नीचे आगे भी आते हैं, तो वैसे उल्टा नंबर लिखना है। ठीक है, तो हमने मैंने करवाया ना आपको, बस से 20 तक के रिवर्स नंबर आपको सिखाए, तो मैंने इधर कौन सा लिखा है, 20 वाला लिखा है, आपको 10 से 1 तक का भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले कौन सा नंबर लिखा है, 2020, ओके बॉक्स में लिखा है तो आपको वो लिखना है। ठीक है, तो 20 के आगे कौन सा नंबर आता है बताओ मुझे, कौन सा नंबर आता है, वेरी गुड, 1, 9, 19 आ गया, फिर 19 के आगे चलो बताओ मुझे आप में से कौन बताएगा, वेरी गुड, 1, 8, 18 आपने ऐसे बॉक्स में ही लिखना है, मैंने सिखाया ना आपको, ऐसा नहीं कि एक बॉक्स में दोनों लिखना है। ठीक है, फिर 1, 8, 18 के आगे चलो बताओ मुझे कौन सा नंबर आएगा, वेरी गुड, 1, 7, 17
इंडिया के। वेरी गुड, 1616। ये 16 के आगे 1515। ये 15 के आगे, चलो बताओ बताओ मुझे। वेरी गुड, 1414। ये 14 के आगे, वेरी नाइस, 1313। ये 13 के आगे, 1212। और 1111 मैंने इधर लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या करना है। तो उसमें आपको क्या करना है, क्या करना है, नीचे आना है। सीढ़ी से आपको क्या करना है, नीचे आना है। तो उसे क्या करते हैं, रिवर्स नंबर करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, काम किए, जो उत्तर दिए गए थे उसे काम किया और फिर इधर नंबर लिखे, ठीक है। फिर सेकंड में क्या किया, सेकंड लेसन में मिसिंग नंबर, जो आपको नंबर दिया गया है उसके बाद जो ब्लैंक्स दी गई है उसमें आपको जो नंबर आता है वो लिखना है। फिर इसमें क्या करना है, सर्कल का करेक्ट नंबर जो आपको पिक्चर दिया गया है वो काउंट करना है। फिर जो नीचे नंबर दिए गए हैं ना उसमें से जो सही नंबर हो उस पर आपको सर्कल करना है। जैसे हमने इधर किया ना, तो हमें लगा देगी ये पिक्चर प्रॉपर नहीं, तब तो उसे काउंट करके एक नंबर लिख लेंगे। फिर इसमें किसी नंबर में क्या करना है, जो ब्लैंक्स दी गई है उसमें आपको नंबर लिखने हैं। इसमें क्या करना है, जो पिक्चर काउंट करना है, जो करेक्ट नंबर है उस पर सर्कल करने हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।